हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो से हम नई सीरीज शुरू करेंगे आर्म फोर्सेस की। ओके, इसके ऊपर अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसका आज हम चैप्टर नंबर वन करेंगे, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज, और उसके बाद हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने एनवायरमेंट अवेयरनेस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैवंट वॉच देन प्लीज़ गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एन सी सी आर्मी विंग। ओके, एंड यू कैन वॉच दैट आउट। हर साल उस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आते हैं, सो डोंट मिस दैट। ओके, सो लेट स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज, कि जितनी भी हमारे आर्म फोर्सेज हैं उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बेसिकली इसमें हम तीन की बात करेंगे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। ओके, दिस इज द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। ओके, धरातल के जितने भी युद्ध होंगे, जो भी धरती से लड़े जाएंगे या जमीनी युद्ध लड़े जाएंगे, वो सारे के सारे कौन लड़ेगी? इंडियन आर्मी। ओके, जितना भी सिक्योरिटी, लैंड बेस्ड सिक्योरिटी होगा, वो किसकी, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? इंडियन आर्मी की। और ये तीनों आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सबसे बड़ा हिस्सा है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं, बीट इंडियन आर्मी, बीट इंडियन नेवी और बीट इंडियन एयरफोर्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टार एक फोर स्टार जनरल होते हैं, पूरे इंडियन आर्मी को ये कमांड करते हैं। ओके, करंटली आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज हेड ऑफ इंडियन आर्मी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आर्मी एक्टिविटीज। इंडियन आर्मी के हेड हैं, इनको असिस्ट कौन करता है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन कमेंट बॉक्स। ओके, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, बट यहाँ तक यू शुड नो द नेम ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई टोल्ड यू द नेम ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब आप मेरे को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन आर्मी की कितनी कमांड्स है, कौन सी कमांड कहाँ है उस पे। ओके, सो वी विल नाउ गो टू कमांड हेडक्वार्टर्स। ओके, इंडियन आर्मी बेसिकली सात कमांड्स में डिवाइडेड है, पूरा इंडिया ही उन्होंने सात सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। ईच इज बीइंग कमांडेड, ईच कम्स अंडर अ कमांड एरिया, और उसको कमांड कौन करते हैं? कमांडर इन और आर्मी कमांडर या जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जी ओ सी इन सी। ओके, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इन टू सेवन थिएटर कमांड, सात थिएटर कमांड्स में डिवाइडेड है, जिनमें सब्सिक्वेंट फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि कमांड के अंदर कोर होगा, कोर के अंदर एक डिवीजन होगा, डिवीजन के अंदर ब्रिगेड्स होंगे, ब्रिगेड्स के अंदर बटालियंस होंगी, कंपनीज होंगी, वो हम बाद में आने वाले सब्सिक्वेंट लेसन्स में वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। सेंट्रल कमांड कहाँ पे है? लखनऊ में। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। साउदर्न कमांड पुणे। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, हरियाणा। ओके, और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडियन आर्मी शिफ्टिंग इट्स आर्मी कमांड टू मेरठ इन उत्तर प्रदेश। ओके, देर आफ्टर कम्स टू इंडियन नेवी। इसमें हम बस एक ओवरव्यू सा लेंगे, मैं बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाऊंगा तीनों फोर्सेज के बारे में, यू डोंट हैव टू वरी। इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैंने पहले से बना रखी है, इफ़ यू आर एयर विंग कैडेट यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। नाउ कमिंग टू इंडियन नेवी, नेवी इज भारतीय नौसेना। जैसे इंडियन आर्मी लैंड बेस्ड वॉरफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरीके से इंडियन नेवी हमारी मेरिन टाइम सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन नेवी हमारे पानी का जितना भी एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। तीनों फोर्सेज के जैसे मैंने बताया था, इस सुप्रीम कमांडर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक फोर स्टार ऑफिसर होते हैं, जिसको, जिनका रैंक एडमिरल का होता है और नेवी को वो कमांड करते हैं। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, द इंडियन नेवी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नेवी सिक्योर नेशनल मैरिटाइम बॉर्डर। जितने भी हमारे पानी के बॉर्डर हैं,
जितना भी कोस्ट लाइन है ओके, उस पूरे को सिक्योर करना इज वर्क ऑफ इंडियन नेवी फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन नेवी 2017 के हिसाब से इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ है 67,109 ऑफिसर और पर्सनल्स दोनों मिला के ओके। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इंडियन आर्मी की, देर आफ्टर इंडियन एयरफोर्स की, और सबसे कम है इंडियन नेवी की ओके। एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास एक, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, डेस्ट्रॉय है, फ्रिग, ये अलग अलग कैटेगरी के जहाज़ होते हैं ओके। जैसे पानी के जहाज़ है, फॉर एग्जांपल देखो एक इस तरीके का है, ये इस तरीके का है, यहाँ पे कुछ एम्फीबियन बोट्स हैं ओके। तो इस तरीके के अलग अलग जहाज़ होते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, टैंकर्स होते हैं, सबमरीन्स होती है जो पानी के नीचे रहती हैं, दिस इज ऑल ओके। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांड्स इंडियन नेवी, हमें पता है हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, न्यू दिल्ली में है, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ओके। इंडियन नेवी तीन कमांड है, वेस्टर्न कमांड मुंबई, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, साउदर्न कमांड कोची केरला ओके। कमिंग टू इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इज द यंगेस्ट फोर्स, केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1932 बाय इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932 ओके। ये एयर आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेज की ओके। ये हमारे जितना भी वायु से या स्पेस से रिलेटेड या एयर से रिलेटेड वारफेयर है या सिक्योरिटी है, उसके लिए जिम्मेवार है इंडियन एयरफोर्स ओके। बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सिक्योर आवर एयर स्पेस ओके। इंडियन एयरफोर्स कंप्राइज, इनके पास फाइटर पायलट्स है जैसे Sukhoi-30, MiG-30, MiG-27, MiG-29, अभी LCA तेजस आया है ओके, राफेल आ रहे हैं, ऑल दीज आर फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन एयरफोर्स के भी ओके। एयर हेडक्वार्टर हमें पता ही है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में ओके। इसमें एयर स्टाफ ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, ये ज़्यादा आपके काम का नहीं है, सो यू कैन इग्नोर दैट। कमांड्स, हाँ कमांड यू हैव टू बाय हार्ट ओके। कमांड्स बिल्कुल आ सकती है, अगर आप एयर विंग के कैडेट हो तो एयर विंग में आ सकती है, अगर आप एयर विंग के कैडेट हो तो भी आर्मी की कमांड आपसे पूछी जा सकती है, और अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो भी नेवी की या एयरफोर्स की कमांड आपसे पूछी जा सकती है। सो प्लीज़ कीप अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कमांड्स ओके। सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला, साउदर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात, और वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में। ये सारी ऑप्स ऑपरेशनल कमांड्स हैं, यहाँ से पूरा इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन कैपेबिलिटीज मेंटेन होती है। अनदर इज फंक्शनल कमांड, जिनमें से एक ट्रेनिंग कमांड है और एक मेंटेनेंस कमांड है ओके। जितना भी ऑपरेशन होगा, बी इट ऑफेंसिव डिफेंसिव वट एवर द काइंड ऑफ ऑपरेशन, किसी चीज़ को लेके आना है, लेके जाना है, डीमोनेटाइजेशन होगी तो कैश को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए थे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, बी इट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन कम्स अंडर दीज फाइव कमांड्स। सिक्स कमांड इज ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर कर्नाटका, मेंटेनेंस कमांड इज इन नागपुर महाराष्ट्र ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस आर्म फोर्सेज की वीडियोज। मैं एक एक करके तीनों सेनाओं का डिस्क्रिप्टिव भी बनाऊंगा, बट बींग आर्मी विंग कैडेट हमें आर्मी के बारे में ज़्यादा जानना है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। आई होप आप सब जानते हैं ही इज जनरल मनोज मुकुंद नारवाने, एडमिरल करमबीर सिंह, CDS जनरल रावत एंड एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया ओके। कुछ एड ऑन बातें आपके लिए, देखो फर्स्ट फील्ड मार्शल वॉज सैम मानिकसा ओके। सैम मानिकसा वॉज फर्स्ट फील्ड मार्शल, सेकेंड फील्ड मार्शल वॉज KM करियप्पा, लेकिन KM करियप्पा वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल पहले ये बने थे, बाद में ये बने थे, लेकिन फील्ड मार्शल का रैंक पहले सैम मानिकसा को दिया गया था और बाद में KM करियप्पा को दिया गया था। मार्शल ऑफ एयरफोर्स ये सेम रैंक है इक्विवेलेंट टू फील्ड मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही ऑफिसर को ये रैंक मिला है, दैट इज एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को ओके। इंडियन आर्मी में सिर्फ दो को मिला है, पहले मिला था सैम मानिकसा को, उनके बाद सेकंड मिला था KM करियप्पा को ओके, जनरल करियप्पा को। इंडियन नेवी में आज तक ये रैंक किसी को भी नहीं मिला है ओके। जब हम रैंक्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भी, इनके पास कुछ एक प्रिविलेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिटायरमेंट के बाद भी अपनी वर्दी लगा सकते हैं, लाइक
नाउ दिस बोथ आर वियरिंग, ओके, इनके पास एक 5 स्टार गाड़ी होती है, यानी गाड़ी के आगे 5 स्टार होते हैं, जिस तरीके से लाइक वी हैव स्टडीड 4 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल मतलब इनके कोलर पे स्टार्स होते हैं, ओके, 4 स्टार होते हैं, आर्मी चीफ हो गया, एडमिरल हो गए, और जो आपके एयर चीफ मार्शल है, इनकी कोलर पे 4 स्टार होते हैं, वेयर एज फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट, ओके, इनकी कोलर पे 5 स्टार होते हैं, ओके, और कई सारे प्रिविलेजेज इनको मिलते हैं। एक ऑफन सा कंफ्यूजन आता है कई बार कि कमांडर इन चीफ पहले इंडियन इंडियन पहले वॉज केम करियप्पा, लेकिन पहले आर्मी चीफ वॉज महाराजा राजेंद्र जी जडेजा, हाउ दिस इज, और पहले पहले ये कन्फ्यूजन समझते हैं। सी व्हाट हैपन इन 1947, हमारे देश का पार्टीशन हो गया था, बट अंग्रेज वर स्टिल हियर, अंग्रेजों के शासन उसके बाद भी रहा कुछ साल तक, कैसे रहा आई विल टेल यू। इन 1950 जब इंडियन इंडिया रिपब्लिक बन गया, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, सो आवर आर्म फोर्सेज बिकेम इंडियन आर्मी, यानी जो ब्रिटिश आर्मी बिकेम इंडियन आर्मी, ब्रिटिश रॉयल नेवी बिकेम इंडियन नेवी, एंड ब्रिटिश रॉयल इंडियन एयरफोर्स बिकम इंडियन एयरफोर्स। लेकिन इन द अप टू इंडिया ईयर 1956 पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं बना था, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान केम इन एग्जिस्टेंस इन ईयर 1956। तब तक फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ दिस वॉज ऑफ इंडियन आर्मी प्लस पाकिस्तान, यानी जितनी भी ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी कंप्राइजेज ऑफ इंडियन आर्मी प्लस पाकिस्तानी आर्मी, उसके चीफ होते थे। लेकिन जब 1956 में इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ऑल्दो आर्मी वर डिफरेंट, लेकिन इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो यानी नाउ ब्रिटिशर्स कैन गिव द एंटायर चार्ज टू द प्रेजिडेंट, ओके। उसके बाद जो पहले नेटिव इंडियन आर्मी के चीफ बने थे, दैट वॉज महाराजा राजेंद्र जी जडेजा, ही वो चीफ इन 1956, ओके, ये 1956 में पहले चीफ बने थे, नेटिव चीफ, ओके, ऑल्दो ही वॉज ऑल्सो नेटिव केम करियप्पा, लेकिन केम करियप्पा वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एट दैट टाइम इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जिसके अंदर जिसके ब्रिटिश आर्मी का यानी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडियन आर्मी प्लस पाकिस्तानी आर्मी पे भी होता था, ओके। सो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देन ही इज महाराजा राजेंद्र जी जडेजा, जनरल महाराजा राजेंद्र जी जडेजा, वेयर एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ही वॉज के एम करियप्पा, ओके। अगर आपके क्वेश्चन आता है फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फर्स्ट नेटिव आर्मी जनरल, तो वो थे के एम करियप्पा, लेकिन फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर बात करें तो दैट वॉज जनरल महाराजा राजेंद्र जी जडेजा। सिमिलर मैनर में फर्स्ट एडमिरल वॉज रामदास खत्री, ही बिकेम एडमिरल इन ईयर 1958। इससे पहले भी 56 से 58 तक दो फॉरनर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स एडमिरल थे। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल वॉज सुब्रतो मुखर्जी, ओके, ओबीई वॉज हिज मेडल, ऑर्डर ऑफ मेरिट इन ब्रिटिश एम्पायर, ओके, इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर टू बी गिवन टू एनी फोर्सेज ऑफिसर, आर्म फोर्सेज ऑफिसर, ओके, सो ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, आई होप आपका ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला कन्फ्यूजन आई एम एबल टू क्लियर, ओके। अगर स्टिल यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेरी, देन आई कैन मेक अ सेवरल ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।